भाजपा की एनडीए की डबल इंजन की सरकार मूल सुविधाओं से लेकर विकास की आकांक्षाओं तक असम को आगे बढ़ाने में जुटी है। आपने कांग्रेस की 15 साल की करप्ट सरकार भी देखी है और डबल इंजन की 5 साल की आपकी सेवा में समर्पित सरकार भी देखी है। कांग्रेस के लंबे कालखंड में जिन सत्रों जिन नाम घरों को अवैध कब्जाधारियों के हवाले किया गया था उनको आज मुक्त किया गया है। असम की शान काजीरंगा को भी कांग्रेस के पाले पोसे कब्जाधारियों से मुक्त किया गया है। असम में हमने पूरी संवेदनशीलता और विश्वास के साथ ऐतिहासिक बोडो समझौते को करके असम में स्थायी शांति का मार्ग मजबूत किया है। कांग्रेस का हाथ आज एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। आज जब असम को हिंसा आतंक घुसपैठ अराजकता और अवैध कब्जों से मुक्ति मिल रही है, आज जब असम में विकास के सेतु बन रहे हैं, आज जब असम में विश्वास के सेतु मजबूत हो रहे हैं, आप जब असम में अध्यात्म और आस्था के सेतु हमें नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तब असम को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। एनडीए की सरकार ने सिर्फ 5 साल में टी वर्कर्स की मजदूरी को बढ़ाकर 2 गुने तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने बजट में भी 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले परिवारों के लिए की है। भाइयों और बहनों, बीते 5 साल हमने असम के विकास की नींव मजबूत की। अब असम को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने वाले हैं।